मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 11 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपनी दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपनी दिल से पूछो कि मेरी याद की यात्रा ठीक है? और बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है कि किस विशेष पुरुषार्थ से बैगर टू प्रिंस बन सकते हो? और उत्तर में बाबा ने कहा कि बैगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, यह शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बैगर हैं, उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है? बाबा ने बताया है ना, तो इसलिए बच्चों को मालूम है कि ध्यान किस बात पर देना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है कि हमारे में ये सब गुण हैं। बाबा कहते हैं जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना, तो यह बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। कैसे बनेंगे? पढ़ना भी पड़ेगा और साथ साथ में पढ़ाना भी पड़ेगा। तो बाबा कहते बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते संपूर्ण तो अब तक कोई बना ही नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, देख लो, सबकी चेकिंग करते हैं बाबा। बाबा कहते एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर ऊंची से ऊंची बना रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि कितनों की तकदीर ऊंची बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है, अति इंद्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। यह तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, सहज उपाय है ही याद की यात्रा। बाबा कहते अपनी दिल से पूछना है कि क्या हमारी याद की यात्रा ठीक है। दूसरे को आप समान बनाते हैं, ज्ञान बुलबुल बने हैं, तो बाबा कहते ये सारे प्रश्न अपने से पूछो। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो, तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है नहीं, तुम ही दैवी घराने के भांति बनते हो, वहां तुम्हारा है दैवी परिवार। और बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि हम दैवी परिवार का बनने लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना भी कायदेसर है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है, भल बीमार हो, खाट पर पड़े हो, तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती है कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले चलने आया है, कितनी सहज याद है। यह भी प्रैक्टिस चाहिए, बुद्धि में एक बाबा की ही याद रहे, बाबा आया है, हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, मुख से कोई जाप नहीं करना है, औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझाते हैं तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे, उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सत्युग में, कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ेंगे, इसमें मेहनत है, पवित्रता की बात भी मुख्य है,
बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है। वह कमल भी पानी से धरनी से ऊपर रहता है और तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है कि हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद ना आए, कोई अवगुण भी ना रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वह सदैव हर्षित रहते हैं। यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बाबा जानते हैं, बाबा कहते हैं कि मैं जानता हूं और बच्चे भी जानते हैं कि कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट छुई मुई कर देती है। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। क्या पूछना है? कि हम कितना बाप की याद में हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। बाबा कहते भल कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है यह पत्थर है या नर्म चीज है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएगी। और तुम्हारा धंधा ही यह है, तुम बेहद बाप के स्टूडेंट होना पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़पते थे। और क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया ना कि तेरी मुरली में जादू, तो पापा कहते बांधेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे, मुरली में ही जादू है ना। कौन सा जादू है? विश्व का मालिक बनने का जादू। पापा कहते इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे। समझते थे पढ़ाई बिगर बेचारे का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान ही नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। बाबा को वंडर लगता है, चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसे लगता है जो मुरली पढ़ना क्लास में आना छोड़ देते। बाबा कहते ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, और बाप से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। माया बिल्कुल नीचे ले जाती है, बुद्धि को एकदम मार डालती है, जो कुछ भी समझते नहीं। भल भक्ति तो बहुत करते परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ बेसमझ बन गए हैं। बाप खुद कहते हैं कि तुम कितना लायक थे, अब नालायक बन गए हो। बाबा कहते अब मैं फिर आया हूं तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाप कहते हैं इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं और टीचर को भी याद करते हैं, करेक्टर भी सुधारने हैं। और बाबा कहते तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुमको यह बनना है। उन्हों के करैक्टर अच्छे हैं तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं। क्या गाते हैं? कि आप सर्वगुण संपन्न। मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक अंधेरे में है। बाबा कहते सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं, उन्हों को बाप का पैगाम पहुंचाना है। बाबा ने कहा कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है, सबको पैगाम कैसे पहुंचाएं? अखबार द्वारा ही पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी, अब सब अपवित्र हैं। यहाँ कोई पवित्र आत्मा हो न सके। पवित्र आत्माएं होती हैं पवित्र दुनिया में। आत्मा पवित्र बन जाती है फिर यह पुराना चोला छोड़ना ही है। यह हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाबा को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। पहले पहले जब तुम आए थे तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी फिर पवित्र दुनिया में आएगी। शांति धाम से होकर फिर गर्व महल में आएंगे, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता है, रावण राज्य ही नहीं है। परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है इसके लिए यह पढ़ाई है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते ये तो जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हो रहा है। शिवालय स्थापन होगा तो वैश्यालय खत्म हो जाएगा। शिवालय में तो आना ही है,
बाबा कहते कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आती है, उनको कहा जाता है पूरे बैगर। शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है। हमको तो अब अपने बेहद के घर जाना है, अपने घर को भूल गए थे, अब बाप ने याद दिलाया है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कि तुम वानप्रस्थी हो, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते अब मैं आया हूँ वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भक्त भक्ति करते हैं। अब बाप समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं। उनको इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, सिर्फ नाम सुना है। भल द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता। बाप कहते हैं अब छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापस जाना है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आया है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। यहाँ तो शांति हो ना सके, शांति धाम का मालिक तो एक बाबा ही है। जब मालिक आए तब सबको ले जाए। भक्ति करते थे शांति धाम में जाने के लिए, ऐसे कोई नहीं कहते कि हम सुख धाम में जाएं। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबको घर ले जाऊंगा, अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। बाबा कैसे घर लेके जाएंगे, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। बाबा कहते सुख धाम में कोई ना भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। बाबा कहते नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर मार पीट दिलाकर भी ले चलूंगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तो तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पाठ ही ऐसा है। तो बाबा कहते इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा, पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते तुम चाहो व ना चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। मेरी मत पर चल, अगर संपूर्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो, अर्थात मौत दो। बाबा कहते ये तो सब जानते हैं कि मौत आया कि आया, छीछी को यहाँ रहना ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं सबको छीछी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा, जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुख धाम में आएंगे। सुख धाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। बाबा कहते तुम्हारा यादगार मंदिर देलवाड़ा है, आदि देव बैठा है, बाप दादा है ना, इनके ही शरीर में बापा विराजमान होता है। तुम जानते हो ये बाप दादा दोनों बैठे हैं। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो, उनकी निशानी मंदिर में दिखाई है। महारथी घोड़े सवार भी हैं। कल्प कल्प हूबहू ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे। तुम कहेंगे यह सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे। बाबा कहते ये ख्याल नहीं करना चाहिए, स्वर्ग अभी कहाँ है, फिर स्वर्ग के महल होंगे। बाबा कहते ये पहाड़ियां आदि टूट जाएंगी फिर बनेंगी, आबू फिर भी बनेगा। बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं मूंझने की दरकार नहीं। कहते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई फिर निकलेगी, नीचे जो चीज गई सो गई, खत्म हो जाएगी। बाबा कहते तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे, वहां बिल्कुल ही सतो प्रधान सब नई नई चीजें होंगी, और तुम वहां के फल आदि देख कर आते हो। तुम जानते हो हम वहां जाने वाले हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा, यह निश्चय होना चाहिए। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है, इतने सब फिर आएंगे फिर महल आदि बनेंगे। बाबा कहते तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं फिर भी मंदिर बनाएंगे, यह खेल ही पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने का है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह चक्र है। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, तुम्हारे कदम में पद्म का छाप लग जाता है।
तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाए हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सत्युग है गोल्डन एज, वहां की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितने सुंदर महल बनते हैं, हर चीज सतो प्रधान होती है, देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही प्रलब्ध बनती है। बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है, बाप को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है, बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। और सेकंड पॉइंट है पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। और बाबा ने वरदान दिया सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा न कोई यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला। कभी घबराए नहीं, ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। स्लोगन है अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी बल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। स्लोगन अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी बल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। ओम शांति। और आज बाबा ने लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें कहा कि जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे उतना हद के आकर्षण से परे रह परमात्मा प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपकी यह लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। तो बाबा ने आज हमें क्या प्रैक्टिस करने के लिए कहा? बेहद की प्राप्तियों को याद करने का अभ्यास। तो आए कुछ क्षण बाबा के साथ, बाबा से हमें जो जो प्राप्तियां हुई उसको याद करते हैं और बाबा के साथ मगन हो जाते हैं। सुख पूर्वक आसन पर बैठे। ध्यान भ्रिकुटि के बीच अपने सत्य स्वरूप में ले जाएं। टिमटिमाता हुआ ज्योतिर्बिंदु, यही मेरा सत्य स्वरूप है। मैं आत्मा जब बाप से नहीं मिली थी दुखी थी, असंतुष्ट थी, बेचैन थी, शांति ढूंढ रही थी, इधर उधर भाग रही थी, ढूंढते ढूंढते बाप को याद कर रही थी। और एक दिन मुझे वो मिल गया। मैंने उसे नहीं ढूंढा, उसने ही मुझे ढूंढ लिया। मेरे प्रेम को देखकर, मेरी तड़प को देखकर वो स्वयं मेरे पास आ गया। और आते ही उसने मुझे गले से लगाया, मुझे वो सब कुछ दिया जिसे मैं बाहर ढूंढ रही थी। मैं खोई हुई थी दुनिया की इस भीड़ में।
उसने मुझे अपना बनाया और मुझे सब कुछ दिया। सबसे पहले उसने मुझे मेरा ही परिचय दिया, मुझे अपना परिचय दिया, मुझे आत्मा का परिचय मिला, मुझे परमात्मा का परिचय मिला, उससे मेरा संबंध क्या है उसका परिचय मिला, उससे मुझे क्या क्या मिल रहा है वो पता चला। मैं वर्षे की अधिकारी बनी, परमात्मा दिल तख्त नशीन बनी, ईश्वरीय संतान बनी, ब्राह्मण बनी और ब्राह्मण से अब फरिश्ता बन रही हूं। सच्चा ब्राह्मण बनते ही मेरा जीवन ज्ञान से प्रकाशवान हो गया, मैं आत्मा भरपूर होती गई। ये बेहद की प्राप्तियां मुझे बेहद बाप से हुई, बाबा से ही मुझे मेरे बिछड़े हुए आत्मिक भाई बहनों का परिचय मिला। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी वसुंधरा एक ही परिवार है, ये ज्ञान मिला, बेहद का परिवार मिला, बेहद की सोच मिली, बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि, मेरा मन पवित्र होने लगा, मेरा तन पवित्र होने लगा, मेरी सोच में पवित्रता आने लगी, मेरे कर्मों में पवित्रता आने लगी, अपना भाग्य स्वयं लिखने का, निर्माता बनने का परिचय मिला। ये बेहद की प्राप्तियां मुझे बेहद के बाप से हुई, जो इस लौकिक संसार में कोई नहीं जानता। यही मेरी अनूठी प्राप्तियां मुझे इस संगम युग पर उड़ा रही हैं, प्रेम से भरपूर कर रही हैं, बाबा के प्यार में, लव में मुझे लीन करती जा रही हैं। बेहद के बाप से ये बेहद की प्राप्तियां मुझे उमंग उत्साह में उड़ा रही हैं, मुझे न्यारा और प्यारा बना रही हैं। पहले मैं रिश्तों में उलझ जाती थी, बाबा के ज्ञान ने ऐसा ज्ञानवान बुद्धि को पारस बनाया कि अब मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ, प्रेम से हर कर्तव्य भी कर रही हूँ और उनसे डिटैच भी हूँ। बाबा ने मुझे ये न्यारा और प्यारा बनाने की विधि सिखाई, मेरे जीवन को कमल फूल बनाया। कि बेहद की प्राप्तियां इस संगम पर बाबा ने ही दी मुझे, मैं भाग्यवान आत्मा हूं, बाबा के प्यार में डूबी हुई लवलीन आत्मा हूं। बाबा ने सिखाया सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरे परिवार के बारे में सोचना है, सबको देना है, देते ही जाना है। बाबा की हम बच्चों से यही आशा है, यही मेरी बेहद की प्राप्ति है, देना ही लेना है बेहद की ओर। देते जाएंगे तो बेहद की ओर से ही प्राप्ति होती जाएगी। ये बेहद की प्राप्तियां मुझे भरपूर कर रही हैं, परमात्मा प्रेम में मुझे डुबो रही हैं और मैं परमात्मा लव में लवलीन मगन आत्मा हूँ। मैं परमात्मा प्रेम में लवलीन आत्मा हूँ, मैं परमात्मा प्रेम में लीन लवलीन आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।